नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बजट 2021 ग्रोथ की वैक्सीन कमोडिटी को क्या चाहिए, इसमें आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कि इस बजट में कमोडिटी मार्केट के लिए क्या कुछ ऐलान होने की संभावना है और जो डिमांड यहां पर रखी गई है इंडस्ट्री की तरफ से, कमोडिटी मार्केट की तरफ से, उसमें से कौन कौन सी ऐसी डिमांड है, मांगे हैं जिसकी पूरी होने की संभावना दिख रही है इस बजट में, इसी पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं नवीन माथुर, डायरेक्टर हैं आनंद राठी के। हमारे साथ जीके अग्रवाल हैं, चेयरमैन हैं एसएमसी इन्वेस्टमेंट्स एंड एडवाइजर्स के। और साथ ही नरेंद्र वाधवा होंगे, प्रेसिडेंट सीपीएआई के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डीके अग्रवाल जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि कमोडिटी मार्केट की बहुत ही लंबे समय से ये डिमांड रही है कि जो कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है उसमें राहत दी जाए। हर बार ये डिमांड की जाती है आप लोगों की तरफ से, लेकिन अब तक इसको लेकर कुछ हुआ नहीं है। इस बार जो आप लोगों ने मांग रखी है, इसमें कितनी उम्मीद की जाए, या फिर कुछ आपको अंदर से कोई ऐसी खबर मिल रही हो, कोई संकेत मिल रहे हो कि इसको लेकर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? धन्यवाद मृत्युंजय। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जो स्टेटमेंट दी थी कि 100 साल के अंदर भी ऐसा बजट पेश नहीं हुआ हुआ है और ये है कि बहुत ही अभूतपूर्व बजट होगा, उससे हमें काफ़ी आशा हमारी जगती है। पिछले 2013 से जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से ही हमारी डिमांड रही है कि कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स हटा दिया जाए। और इसकी वजह से, चूंकि टर्नओवर जो एक्सचेंज की 72,000 करोड़ की एवरेज डेली टर्नओवर होती थी, वो लगभग आज के दिन 32 से 40 हज़ार करोड़ के बीच में रह गई है। तो लगभग टर्नओवर इवन आज भी, जबकि ये टर्नओवर बढ़नी चाहिए थी, वो कम रह गई है। तो हमारा मानना है कि चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि ये अभूतपूर्व बजट होगा, नेवर सीन बिफोर बजट होगा, तो हमारी भी आशाएं जग रही है, क्योंकि कमोडिटीज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिया एक वर्ल्ड की फैक्ट्री होगा आने वाले टाइम में, तो ऐसे टाइम में कमोडिटी हेजिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू होता है और एक वाइब्रेंट और लिक्विड प्लेटफॉर्म हेजिंग के लिए चाहिए। और सीटीडी की वजह से ये कहीं ना कहीं जो एक वाइब्रेंसी है, जो लिक्विडिटी है कॉन्ट्रैक्ट्स में कमोडिटीज के, वो अफेक्ट हो रही है। तो हमारा मानना है कि इस बार फाइनेंस मिनिस्टर इसको बहुत ही सीरियसली इसको रिमूव कर सकते हैं, या अगर मान लीजिए रिमूव नहीं करते तो इसको रेट को काफ़ी कम कर सकती है। और मान लीजिए अगर ये दोनों चीज़ भी नहीं होती, तो तीसरा हमने एक जो डिमांड रखी है सेक्शन 88E के अंदर, जो कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स पे होता है, उसको एज ए एक्सपेंस ट्रीट ना करके एज ए एडवांस टैक्स ट्रीट किया जाए, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी। ये तीनों में से कोई भी चीज अगर हो जाती है जी, तो आई एम श्योर कि कमोडिटीज मार्केट के लिए, कमोडिटीज फ्यूचर मार्केट के लिए हेजिंग टूल के हिसाब से, फेयर प्राइस डिस्कवरी के हिसाब से, एक बहुत बड़ा कमोडिटीज फ्यूचर मार्केट के लिए बहुत बड़ा कदम होगा ये। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि कमोडिटी फ्यूचर मार्केट के लिए एक बड़ा कदम होगा, जो डिमांड आपने रखी है। नवीन जी, आप भी चूंकि कमोडिटी मार्केट से बहुत लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं और आपने बाजार के हर उतार चढ़ाव को देखा है, पॉलिसी में जो बदलाव हुए हैं उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर हुआ, इसको भी आपने बहुत ही बारीकी से देखा है, समझा है, आपके हिसाब से मौजूदा दौर में जब बहुत सारे नए प्रोडक्ट आ गए हैं कमोडिटी मार्केट में, तो इस वक्त कमोडिटी मार्केट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, क्या कमोडिटी मार्केट के लिए, चूंकि हमने, हमारी थीम है इस बार जी बिजनेस की ग्रोथ की वैक्सीन, तो आपके हिसाब से कमोडिटी मार्केट को ग्रोथ की वैक्सीन दिलाने के लिए, देने के लिए सरकार को क्या दो तीन बड़े ऐलान करने चाहिए इस बजट में? मुझे धन्यवाद सबसे पहले। और जैसा डीके सर ने कहा है, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सी, हर एक फाइनेंशियल मार्केट में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, जो एक्चुअली कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग है, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आई थिंक इफ यू नो, वी हैव वन ऑफ द लार्ज, मतलब कि सबसे ज्यादा जो कॉस्ट है ट्रेडिंग की कमोडिटी बाजारों में, वो इंडियन मार्केट्स में, पर्टिकुलरली सीटीटी के बाद जो 2013 जुलाई में लगा, उसके बाद काफी हद तक जो
एक तो बिड एंड आस्क स्प्रेड है क्योंकि वॉल्यूम्स कम हो गए, तो बिड एंड आस्क स्प्रेड में हमने देखा काफी डिफरेंस आते हुए। और एट द सेम टाइम अगर कोई भी नया टैक्स लगता है तो कॉस्ट तो इम्पैक्ट करेगी फॉर ट्रेडिंग। सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स की जैसे इंडियन मार्केट्स को बनाना चाह रहे हैं और सेबी रिफॉर्म्स मिशन दे भी रही है, अगर हमें इस मार्केट को हेजिंग की तरफ से देखना है और अगर इंपैक्ट कॉस्ट हाई रही या ट्रेडिंग कॉस्ट हाई रही, तो मेरे ख्याल से वो जो चैलेंज है कॉर्पोरेट्स का अपने मार्केट में आना और हेज करना, प्राइस रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करना, वो बहुत हद तक मेरे ख्याल से, जैसा आपने कहा कि मैं काफी सालों से जब से कमोडिटी मार्केट शुरू हुए मैं साथ में जुड़ा हुआ हूँ, it will be a chicken and egg kind of a situation. We'll be back to square one. And I think DK sir also said rightly, seems to be that the demand of CTT may either be seen from a different perspective, 88E, or मुझे लगता है कि चाहे हटाएं भी ना, पर लेकिन अगर transaction cost कम भी हो सके तो किसी तरह से वो बहुत ज्यादा important होगा market को नए phase या नए दौर में लेके जाने के। सो मैं बिल्कुल सहमति से जो डीके जी ने कहा है उनके साथ हूँ। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्रिटिकल एंड फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड द कॉर्पोरेट टू कम इनटू दीज मार्केट्स फॉर व्हिच दीज मार्केट्स आर फॉर हेजिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं आपके, जिससे आपको लगता है कि अगर ये सुझाव मान लिए गए या इसी दिशा में ऐलान हुए तो इससे कमोडिटी मार्केट को बूस्टर मिल सकता है। लेकिन डीके अग्रवाल जी, मैं सर आपसे, चूंकि आप लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा हर बजट में कमोडिटी मार्केट के लिए कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ही होता है, तो इसके ऊपर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि आप लोग चाहते क्या है, मतलब ये पूरी तरह से खत्म हो जाए CTT, या ये कम भी होगा तो भी चलेगा? मृत्युंजय जी, एक आप देखिएगा कि टोटल गवर्नमेंट का जो करेक्शन है CTT से वो कितना होता है, वो लगभग 600 से 800 करोड़ के करीब का टोटल रेवेन्यू CTT से आते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि कमोडिटी फ्यूचर मार्केट, जो कि हमारा 2011-12-13 के अंदर जिसकी टर्नओवर एवरेज टर्नओवर 72,000 करोड़ थी, और आज अगर ये CTT नहीं होता तो लगभग ये 3 गुना टर्नओवर आज उसकी होती हमारी। अगर हम GST की भी कैलकुलेशन करते हैं तो कितना बड़ा GST रेवेन्यू, अगर ये टर्नओवर बड़ी होती और CTT नहीं लगा होता तो GST के माध्यम से बहुत बड़ा रेवेन्यू आता। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर डिलीवरीज का लेन देन होता है और जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो हैजर इसमें आते, तो उनका अगर हम सब कुछ मिला के देखें तो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रेवेन्यू इसके अंदर आता। और इन एनी केस प्रॉफिटेबिलिटी, आज जो बहुत सारे प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही इसकी वजह से, और क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं हो रहा तो वो प्रॉफिट के ऊपर भी गवर्नमेंट को टैक्स आता। तो ये कोई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं है और इसके जो बेनिफिट्स है वो बहुत ज़्यादा है। और आने वाले टाइम में, जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है और यहाँ पर बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट होने वाला है, जिसके लिए एक वाइब्रेंट कमोडिटी मार्केट की एक प्री रिक्विजिट है। अगर हमारा हेजिंग मैकेनिज्म, हमारे यहाँ रिस्क मैनेजमेंट, प्राइस को हेज करने का एक तरीका यहाँ पर अगर अवेलेबल नहीं होगा तो बाहर के जो प्लेयर्स यहाँ पर आएंगे वो आने में हिचकेंगे। तो मेरा मानना है कि ये CTT हटाना एक बहुत ही सही चीज़ होगी और ये गवर्नमेंट को कहीं पर भी रेवेन्यू का भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो बाकी रेवेन्यू GST के माध्यम से आएगा या जो प्रॉफिटेबिलिटी लोगों की बढ़ेगी, उससे जो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कहीं ना कहीं इसको रेवेन्यू न्यूट्रल कर देगा और इवन रेवेन्यू पॉजिटिव करेगा। तो ये मेरे हिसाब से हटाना बिल्कुल जरूरी है। और मान लीजिए गवर्नमेंट ऑडिट ट्रेल रखना चाहती है तो उसके लिए एक बहुत ही नॉमिनल इसका रेट किया जा सकता है, जैसे आज 1,000 रुपये करोड़ है तो मे बी आप 50 रुपये करोड़ कर दीजिएगा, ताकि आपकी ऑडिट ट्रेल भी रहेगी और CTT का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। अच्छा, और मान लीजिए गवर्नमेंट इसको 50 रुपये भी नहीं करती 1,000 रुपये से, लड़े से कि इसको 50% भी करती है, तो हमारा मानना है कि इसको जो भी टैक्स होगा, क्योंकि रेवेन्यू तब भी टर्नओवर बढ़ेगी एक्सचेंजेस की, तो जो रेवेन्यू का लॉस होगा वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी से और जो इंक्रीज टर्नओवर है उससे, और दूसरा आप इसको ये कर सकते हैं कि जो हम CTT पे कर रहे हैं उसको एज ए सेक्शन 88E के अंदर एज ए एडवांस टैक्स ट्रीट करके अब उसका बेनिफिट दे दें। ठीक है, आई थिंक इवन देन
मार्केट को वो एक्सेप्टेबल हो। ओके, तो ये आपने बहुत विस्तार से बताया है कि सीटीटी हटाने के या घटाने के क्या फायदे हो सकते हैं। सरकार को भी रेवेन्यू का आप कह रहे हैं कि फायदा होगा, चूंकि टर्नओवर यहां पर बढ़ेगा तो टैक्स सरकार को ज्यादा मिलेगा। हमारे साथ नरेंद्र वाजवा भी हैं और कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। कम्युनिटी मार्केट का सबसे बड़ा संगठन है सीपीआई और उसके प्रेसिडेंट हैं वाजवा जी। नरेंद्र वाजवा जी, मैं आपसे सर अब खबर जानना चाहता हूं। डिमांड में अब कोई दिलचस्पी है नहीं, क्योंकि अब आप ये देखिए कि मांग अब सरकार के पास सुनने का वक्त इसलिए नहीं है क्योंकि मंडे को बजट आना है और आज हम फ्राइडे को बात कर रहे हैं। तो आप ये बताएं सर कि आप लोगों से कुछ इस बारे में फीडबैक या कुछ पूछा गया हो कि कितना कम किया जाए, कोई फॉर्मूला मांगा गया हो जिससे हम ये संकेत या उम्मीद लगा पाएं कि इस बार बजट में कुछ हो रहा है ट्रांजेक्शन टैक्स को लेकर। धन्यवाद मृत्युंजय जी। इस बार जैसे पिछले सालों की तरह इंटरेक्शन वन टू वन तो नहीं हुआ क्योंकि कोरोना की वजह से वो फिजिकल मीटिंग्स नहीं है, लेकिन हमारे से डेफिनेटली उन्होंने सबमिशंस मंगाए गए और हमारे से पूछा गया कि आपके क्या ऑप्शंस हैं जिससे कि वो न्यूट्रल रहे, रेवेन्यू न्यूट्रल रहे। तो हमारी सबमिशंस में जैसे डीके जी ने भी बोला तो वही हमारे सबमिशंस गए हैं कि हमारी विश लिस्ट तो ये है कि इसको एबॉलिश कर दिया जाए, क्योंकि 600 करोड़ जो कलेक्शन है एक इतने बड़े बजट के अंदर कोई ज़्यादा मायने नहीं कर सकती। और जिस तरह गवर्नमेंट ने प्रमोट करना चाह रही है डिफरेंट सेक्टर्स को और चाह रही है कि यहाँ पर जो सप्लाई चेन है वर्ल्ड की ये आए, तो इसमें कमोडिटीज का एक बहुत बड़ा प्ले होगा और इसके अंदर हेजिंग की बहुत ज़रूरत होगी। तो 600 करोड़ एक ऐसी फिगर नहीं है जिसको हमने कहा एबॉलिश किया जाए। सेकेंड ऑल्टरनेटिव हमने जैसे डीके जी ने कहा, हमने कहा इसको बिल्कुल हाफ कर दिया जाए जिससे कि ट्रेल भी रहे, क्योंकि इसमें ऑडिट ट्रेल का होना बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से सीटीटी को लाया गया था। और थर्ड ऑप्शन हमने कही है कि अगर आप बिल्कुल कहते हैं रेवेन्यू लॉस ना हो तो हमारे को 88 ही दिया जाए। उनकी कंटिन्यूस हमारे से इंटरेक्शन रही है और जिस तरह गवर्नमेंट बोल्ड स्टेप ले रही है। इंटरेक्शन वाधवा जी इंटरेक्शन आप कह रहे हैं कि लगातार आपसे रही है, मेरी जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि इंटरेक्शन पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रही है कम रही है। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार का मूड क्या है। मतलब वाकई जब अगर सरकार गंभीर हो कि हाँ कम करना ही है, तब आपसे दो चार बार पूछे गए होंगे, आपसे कुछ और राय मांगी गई है, तो इंटरेक्शन मतलब हर साल की तरह वाला है या इस बार कुछ ज्यादा है कुछ कम है, क्या है? देखिए पिछले सालों के अंदर इंटरेक्शन जो था वन टू वन फिजिकल होता था, तो वो हमारे को लगता था ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन इस बार वर्चुअल इंटरेक्शन डेफिनेटली हुआ है। हमारी 2-3 कंटिन्यूअस मीटिंग हुई है पिछले महीने में एमओएफ में डिफरेंट लेवल्स पे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ज्यादा है या कम है, ये पिछले सालों की तरह ही है इंटरेक्शन, बट वो सीरियस है कहीं ना कहीं हमारे को इस इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं रिलीफ देने के लिए। okay. जी, मैं एक यहाँ पर फिगर को लेना चाहूंगा। कोविड से पहले हम $5 trillion की इकोनॉमी की बात करते थे जी। इस 5 trillion इकोनॉमी के अंदर 40% जो है कमोडिटी मार्केट से आएगा। ओके okay. और जिस तरह से अभी कोविड के अंदर सप्लाई चेन चेंज हुआ है, पूरे मैन्युफैक्चरिंग नेशन जो है इंडिया को एज ए वर्ल्ड की सप्लाई चेन मान रहे हैं, ठीक है, तो हमारे को इसको लाने की जरूरत है। ओके okay. और गवर्नमेंट का जैसे नारा है या स्लोगन है कि आत्मनिर्भर इंडिया या मैन्युफैक्चर इन इंडिया, तो हमारा स्लोगन है ट्रेड इन इंडिया। तो ट्रेड इन इंडिया के लिए हमारे को कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को कम करने की जरूरत। ओके, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। एक तो बात हो गई कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स की, दूसरा मुद्दा है गोल्ड पर इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर। इसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। डीके जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, आपके हिसाब से क्या इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने का अभी सही मौका है, सही वक्त है, या सरकार उस हालत में है कि इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी कर दी जाए गोल्ड पर? बिल्कुल मृत्युंजय जी, मेरा मानना है कि ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, अभी हम सरप्लस देख रहे हैं करंट ईयर के अंदर भी। अगर हम फोरेक्स रिजल्ट की बात करें तो हमारे फोरेक्स रिजल्ट आज तक के हाइएस्ट रिजल्ट है, रिकॉर्ड हाई है। अगर हम बात करें रुपी की, डॉलर रुपी की, तो हमारा रुपी काफ़ी स्टेबल है और एप्रिशिएट कर रहा है। तो ऐसे केस में जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी, अगर हम देखते हैं, वो उस समय बढ़ाई गई थी जब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा था, फॉरेस्ट रिजर्व उस हिसाब से नहीं थे। तो मेरे हिसाब से चूँकि इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से गोल्ड का जो हमारी इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो रही है,
ज्वेलरी के जो प्राइसेज हमारे यहाँ लगभग 15% का डिफरेंस है नेबरिंग कंट्रीज और हमारे यहाँ की इंडस्ट्री के प्राइसेज के अंदर, और उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री काफ़ी लूज आउट कर रही है और बहुत ही, मैं बोलूँगा कि बहुत ही बुरा हाल है इंडस्ट्री का, और इस इंडस्ट्री को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो गोल्ड की जो इम्पोर्ट है जो पीछे 10% से 12.5% हो गई थी, उसको कहीं ना कहीं इस समय लगभग 7.5%, वैसे तो बुलियन एसोसिएशन मांग रही है कि 4% कर दिया जाए, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये 7.5% भी कर दिया जाए 5% घटा के, तो आई थिंक बहुत बड़ा एक रिलीफ होगा और इंडस्ट्री को बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने का सही मौका है, सरकार को घटाना चाहिए। नवीन जी, आपने भी बुलियन मार्केट को बड़ा करीब से देखा है और बुलियन के ट्रेड को भी, हमारी डिपेंडेंसी इम्पोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा है, आपके हिसाब से क्या किया जाए? क्या आपको लगता है कि, देखिए, एक तो डिमांड अपनी जगह है और दूसरी जगह की सरकार क्या वाकई, चूंकि अभी कोरोना की वजह से जो आर्थिक हालात बिगड़े हैं पूरी दुनिया के, तो ऐसे में क्या ये डिमांड जायज है इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने का, या आपको लगता है कि इस बजट में कम से कम इस पर कोई बातचीत शायद ना हो, आपको क्या लगता है? मृत्युंजय, ये ना दोनों साइड का बहुत स्ट्रॉन्ग विकल्प है। अगर आप देखें अभी तो आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के और फिजिकल गोल्ड के लिए भी। मैं मानता हूं कि 5-6-10 साल पहले वी डिडंट हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स इन गोल्ड। आई वुड से के एक तरह से जो हम डोमेस्टिक गोल्ड खरीदते थे वो ज्वेलरी या सेफ डिपॉजिट की तरह बस रखने के लिए रखते थे फॉर वेरियस ओकेजंस। आई थिंक द न्यू जनरेशन इज गेटिंग आउट ऑफ इट एंड सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड जो सरकार ने 2015 से लॉन्च करने शुरू करे, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट पर से फॉर इन्वेस्टमेंट नीड्स। But at the same time, I would say that as DK sir also rightly pointed out, that the fiscal situation is better. But ho sakta hai ki fiscal situation, matlab ki rupee aur uspe effect aaye, kyunki mere khayal se jo government steps legi is budget mein, jo andaaza hai, wo ho sakta hai ki jo fiscal deficit ka law hai ya jo fiscal management का मतलब कि साल दर साल क्या होगा वो शायद मेरे ख्याल से सरकार इस बारी नहीं देखेगी, क्योंकि इकोनॉमी वुड बी लिटिल क्रिटिकल। सो आई थिंक अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है, पर मेरे ख्याल से 12.5 से 10 या 7.5 हो तो ठीक है, बट रादर देन just doing it 0 or 4%, I think that will impact the remittances. So I think overall I am on both sides, but विकल्प है अपने पास गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के, जो पहले का रीजन वो नहीं रहा। ठीक है, तो ये राय है आपकी। लेकिन अब नरेंद्र वाधवा जी, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। ये तो हमने बात कर ली सीडीटी की, गोल्ड पर ड्यूटी की, लेकिन एग्री का मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट है और फ्यूचर मार्केट में भी कंट्रीब्यूशन है। और अभी चूंकि जिस तरह के हालात हैं एग्रीकल्चर को लेकर जो बातचीत चल रही है, आपके हिसाब से एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए और उसमें जो कमोडिटी एक्सचेंज की भूमिका है उसको और बेहतर बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इसके ऊपर कुछ फोकस होगा? इसको लेकर कोई बातचीत हुई है क्या? देखिए मृत्युंजय जी, जब 2004 के अंदर ये डेरिवेटिव मार्केट्स एक्सचेंजेस बनाए गए थे तो उसका पर्पस था कि हेजिंग करना और इसको स्पॉट मार्केट को डेरिवेटिव मार्केट से लिंक करने का। ठीक, तो उसके अंदर हम कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, उसके अंदर लिंकेजेस जो है वो अभी तक बन नहीं पाए हैं। हमारे को लगता है कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर जो है डेरिवेटिव मार्केट जब स्पॉट मार्केट डेवलप होता है उसके अराउंड बनाया जाता है, बट हमारे इंडिया के अंदर हमने डेरिवेटिव मार्केट बना दिए और अब हम उसको लिंक करना चाह रहे हैं स्पॉट मार्केट से। तो ये बहुत जरूरत है कि ये मार्केट जो है लिंक्ड हो स्पॉट मार्केट। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लास्ट टाइम भी लिया था, एक्सचेंजेस को परमिशन दिए गए थे कि वो स्पॉट मार्केट खोले जाए, तो मेरे को लगता है उसी कदम के अंदर ये कुछ ना कुछ हम इस बजट में और देखेंगे। रहा ये जो एग्रीकल्चर बिल जो आए हैं, मेरे को लगता है जिसके अंदर कंट्रोवर्सी भी है, तो एग्रीकल्चर इज डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम तभी हो पाएगी जब ये स्पॉट मार्केट डेरिवेटिव मार्केट लिंक होंगे और जो
पूरा इकोसिस्टम है इसका बेनिफिट उठाएगा। ओके, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसी दिशा में और भी बहुत तरह की डिमांड हो रही है। सी एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उनकी तरफ से ये डिमांड की गई है कि नेशनल मिशन ऑन एडेबल ऑयल जो है उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि तिलहन उत्पादन के मामले में हम आत्मनिर्भर बन पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र वाधवा जी आपका, नवीन माथुर जी आपका और डी के अग्रवाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में और बताने के लिए कि बजट में इस बार कमोडिटी मार्केट को क्या चाहिए और क्या कुछ होने की उम्मीद दिख रही है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।